नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। गांव से लेकर के शहर तक की हर खबर को देखते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इम्तिहान की घड़ी गुरुवार 5 मार्च से शुरू हो गई है। गुरुवार से 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है और पहला पेपर अंग्रेजी का हुआ। बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 8,67,000 से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत है। इसके लिए बोर्ड ने 5,685 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। नकल रोकथाम के लिए 200 उड़न दस्ते बनाए गए हैं और साथ ही 306 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश में आज से देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बना तीर्थ नगरी पुष्कर टूरिस्ट सीजन में ही पर्यटकों की कमी को झेल रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के खतरे के चलते पुष्कर में दहशत का माहौल है। हाल ही में जयपुर आई इटालियन पर्यटकों को संक्रमित पाए जाने के बाद अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। पुष्कर में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन चल रहा है। गुप्तचर विभाग के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल पुष्कर में 2000 से ज्यादा विदेशी पर्यटक हैं, जो होली तक 3000 से अधिक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान के जयपुर में इटालियन पर्यटकों के संक्रमित पाए जाने के बाद भारत भ्रमण पर आए पर्यटकों में डर का माहौल व्याप्त है। राजस्थान सीमांत मुख्यालय के आईजी अमित लोढ़ा अपने 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर हैं। जैसलमेर दौरे के दौरान आईजी अमित लोढ़ा भारत पाक सीमा का दौरा किया। लोढ़ा ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकियों का दौरा कर सुरक्षा संबंधी इंतजामों का भी जायजा लिया। उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेने के बारे में भी जानकारी दी। बालीसर तहसील के चामू क्षेत्र के बारनाव ग्राम पंचायत में आदुजी महाराज की ढाणी में स्थित हरि कमल कुंज में रविवार को गायत्री शर्मा पुत्री महावीर शर्मा की स्मृति में स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संत भजनाराम महाराज ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में अभिमान विनाश का कारण होता है। व्यक्ति को जीवन में भगवान का स्मरण करते हुए जीवन में कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लूनिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं बोर्ड की परीक्षा का आगाज हुआ, जिसमें 94 छात्र व छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। पहला पेपर अंग्रेजी विषय का बताया जा रहा है। परीक्षा सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11:45 तक चलेगी। पहले पेपर को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। विद्यार्थी सुबह 7:30 बजे से ही स्कूल में पहुंच गए और अपने रोल नंबर को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पावटा कस्बे में दोपहर 12:30 बजे के करीब राज आंगन गार्डन के सामने दूध से भरी एक पिकअप गाड़ी अचानक पलटी खा गई। गाड़ी में भरा पूरा दूध सड़क पर बह गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में लगभग 1500 लीटर दूध था, जिससे गाड़ी तेज रफ्तार होने व टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। यहां मौजूद लोगों ने प्रागपुरा पुलिस को सूचना दी। पावटा कस्बे में सोमवार को पावटा सरपंच उर्मिला अग्रवाल, सरपंच प्रतिनिधि निर्मल पंसारी, उप सरपंच राहुल चौहान, वार्ड पंचों की टीम अतिक्रमण वाले स्थानों पर पहुंची। वहां पर ग्राम पंचायत की भूमि पर घंटाघर से धोबी वाली प्याऊ मेन स्टैंड सर्विस लेन तक कुछ ग्रामीणों ने कूड़ा व पत्थर डालकर सड़क को रोक रखा था। इस संबंध में सरपंच उर्मिला अग्रवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत की भूमि पर गांव के लोग कब्जा किए हुए थे। ग्राम वासियों ने शिकायत की थी कि कस्बे में लोगों ने अपने मकानों के आगे रोड पर पत्थर व कूड़ा डालकर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे राहगीरों को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। करौली जिले के केला देवी में 20 मार्च से विशाल चैत्र लक्की मेला शुरू होने वाला है। इससे पूर्व केला देवी मेले के दौरान साफ सफाई व्यवस्था रखने के तहत तथा पूर्व में हटाए गए अतिक्रमणों एवं केला देवी क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए आमजन को संदेश दिया गया। उपखंड अधिकारी हेमराज गुर्जर ने कई दुकानों से लगभग 10 क्विंटल से अधिक पॉलिथीन मौके पर जाकर जब्त की। दुकानदारों को पॉलिथीन उपयोग नहीं करने की हिदायत दी। घरसाना ग्रामीण क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेजी पर हैं। प्रत्याशियों ने घर घर जाकर वोट देने की अपील शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि चुनावी प्रक्रिया से रोक हटाने के बाद नई तिथि की घोषणा के चलते अब सरपंच प्रत्याशियों ने घर घर जाकर वोट मांगने शुरू कर दिए हैं। इसी दौरान ग्राम पंचायत 12 एमएलडी सरपंच प्रत्याशी सुमन बावरी पुत्र वधु मक्खन सिंह बावरी गांव 10 एमएलडी में जाकर ग्रामीणों से वोट देने की अपील की और कहा कि उनके गांव की समस्या पानी लाइट इत्यादि सरपंच बनते ही निवारण करने का वे साथ मिलकर प्रयास करेंगी। करौली जिले के मासलपुर पंचायत समिति मुख्यालय पर चकई के बाग वाले हनुमान जी मंदिर पर होली गायन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें IFWJ के करौली जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र लवानिया को लोगों द्वारा माला साफा पहनाकर वह हनुमान जी का चित्रपट भेंट कर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में हिंडोन सिटी के हरदेव भक्त मंडल के छेल विहारी पाठक की टीम, मासलपुरा पुलिस थाने से प्रेम सिंह जादोन, मासलपुर से संगीत के जन नायक राधेश्याम गुरु, राधे गुरु मदमोहन सिंह सहित तमाम कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। जिला पुलिस जैसलमेर के निर्देशानुसार आज रामदेवरा में CLG की मीटिंग रखी गई। दलपत सिंह चौधरी रामदेवरा के SHO के द्वारा मुख्य बाजार चौकी में मीटिंग रखकर बताया गया कि बाबा रामदेव जी की पवित्र नगरी संप्रदाय एकता की मिसाल है। CLG सदस्यों के द्वारा भी दलपत सिंह रामदेवरा SHO के आगे पार्किंग से संबंधित मांगे रखी गई, जिसको आपसी मेल मिलाप से पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। लूनिया के ज्ञानदीप माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर ग्रामीण व महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। मंच संचालन नेत्राम के द्वारा किया गया। अंत में विद्यालय व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। बागुड़ा उपखंड के निकटवर्ती कालीटी गांव के राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और कक्षा 8वीं की छात्राओं का विदाई एवं आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खकार सिंह चौहान भागीरथ विश्नोई ने शिरकत कर छात्राओं को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर चौहान ने छात्राओं को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने एवं निरंतर शिक्षा जारी रखते हुए सफल भविष्य बनाने की बात कही। वहीं बिश्नोई ने पूर्व सत्र के प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को सम्मानित किया। जैसलमेर में SLD नहर में पानी नहीं आने से किसानों की फसलें जलकर बर्बाद होने की कगार पर हैं। धरती पुत्र बेहद संकट में नजर आ रहा है। बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों व जिले के आला अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पानी के अभाव में उनकी फसलें जलकर बर्बाद हो रही हैं, परंतु सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। नहर विभाग के आला अफसर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहर विभाग ने पहले पूरा पानी देकर बुआई करवा दी, लेकिन अब पानी नहीं आने से फसलें बर्बादी की कगार पर हैं। पानी के अभाव में फसलें खेतों में जलकर नष्ट हो रही हैं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।